लगातार बात शक्ति की कर रहे हैं, बात हम हिंसा की भी कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी एक और खबर दिखा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन में गए थे। पाकिस्तान आस लगाए बैठा था कि भारत उससे बायलैटरल मीटिंग यानी कि द्विपक्षीय वार्ता करेगा, लेकिन वार्ता तो दूर की बात है। एस जयशंकर पाकिस्तान को खरी खोटी का खोटी जो है सुनाकर आ गए। एक स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये ट्वीट दरअसल ऐलान है कि भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समय एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की ही धरती से उन्होंने उसे और चीन को साफ साफ संदेश दिया है। भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत की सीमा पर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का तनिक भी खतरा होगा तो ये संभव नहीं है कि इसके साथ भारत व्यापार, ऊर्जा, प्रवाह और कनेक्टिविटी को बनाए रखे। भारत ने पाकिस्तान चीन की सीपीसी परियोजना पर भी कड़ा प्रहार किया है। सीपीसी को भारत ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा बताया। भारत ने चीन को नसीहत देते हुए कहा है कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। इस एससीओ समिट से पाकिस्तान भारत से द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता था, लेकिन भारत का रुख एससीओ समिट में एकदम साफ रहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पनाह देता रहेगा भारत से उसकी कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं बन सकते हैं। और जो एससीओ समिट के नाम पर चीन पाकिस्तान के साथ भारत ये ग्रुप साझा कर रहा है, इसमें भारत की अखंडता की इन दोनों देशों को सम्मान भी करना होगा। लिहाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात तो की, लेकिन बातचीत बिल्कुल नहीं की। भारत की विदेश स्वराज अफगानिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया समिट में भाग लेने पहुंची थी, लेकिन इस बार डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे से पहले ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी और भारत इस रुख पर कायम भी रहा। पाकिस्तान ने इस एससीओ समिट के मोहरे से भारत से बात करने की पुरजोर कोशिश की, इसलिए पाकिस्तान पहले पीएम मोदी को निमंत्रण देके बुलाया, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। तभी डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान के दौरे पर भेजा गया, जिसे भारत की बड़ी कूटनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वो आतंकवाद पर कार्रवाई करेगा और आतंकवाद को पनाह देना बंद करेगा। लिहाजा एससीओ समिट के मंच से डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने का संदेश भी दिया है।